गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। अभी मैं जा रही हूँ मेरे वर्क प्लेस पे और पूरी फैमिली हम साथ में ही जाते हैं जब भी मैं काम पे जाती हूँ। तो आपको ये पता नहीं कैसा लगेगा बट आमिन की वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है। तो चलो मेरे साथ आज आप भी आमिन चलो। ये मेरी नौकरी का पीछे वाला गेट है। आगे वाला गेट तो उस दिन हम लोग कार वॉश करने गए थे, उस दिन मैंने आपको दिखाया था, बट यहाँ गाड़ी पार्क करनी होती है इसलिए हम लोग ज़्यादातर पीछे वाला गेट यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर पार्किंग में मुझे हमेशा परेशान करता है वो, उसको अंदर ही नहीं आना होता है, यहाँ ही खेलना होता है पार्किंग में, क्योंकि ये जो कंकड़ होते हैं ना उसकी वजह से। हाँ, मैं इनको अभी अर्पित ने कोकोमेलन करके दिया है अपने फ़ोन में, तो वो देख रहा है कोकोमेलन और मैं और अर्पित कर रहे हैं हमारा काम। मैं ये क्या लेकर बैठा था यहाँ पर, हाँ इस पे सब उसने अर्पित पेन से कर लिया है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग चाय पी के आते हैं। आमिन मेरे साथ चलो तुम। अभी मैं और आमिन जा रहे हैं टी ब्रेक में। आमिन चल बेटा, वो अटक जाता है यहाँ पे, सब नई नई चीजें उसको देखने को मिलती है ना तो वो ऐसा ही करता है। ये है हमारा छोटा सा किचन जहाँ पर माइक्रोवेव है और चाय कॉफी के सारा सामान यहाँ पर पड़ा है, और साथ में जो बिस्किट वगैरह खाने हो वो भी यहाँ डिब्बा भर के ही रखा हुआ है, और फ्रिज में भी कुछ चीज़ें अवेलेबल होती है जो हमें यूज़ करनी हो तो हम कर सकते हैं चाय नाश्ते के साथ। तो अभी मैं सिर्फ बनाऊंगी मेरी डीप वाली चाय। एवं चे त्या तू आयो? हाँ बोलो। आमिन की अटपटी बातें। पानी है कि नहीं? पानी थोड़ा डालना पड़ेगा। यहाँ पे दूध ये वाला भी होता है और ऐसी डिबिया भी होती है, जिसको जो यूज करना हो वो कर सकता है, तो मैं अभी यही लूंगी। शक्कर भी दो तरीके की है, वाइट वाली भी है और ब्राउन शुगर वाली भी है। यहाँ पर कॉफ़ी भी अलग अलग तरीके की है, साथ में माइलो भी रखा है, और दो तरीके की चाय और ग्रीन टी सब कुछ है। यहाँ पर ले ली है आमिन के लिए 2-3 बिस्किट और मेरे लिए चाय। चलते हैं फिर हमारी जगह पे। जब तक मैं चाय बना रही थी आमिन तो भाग गया, अपने पापा के पास चला गया है। तो आमिन ने सब डस्टबिन में डाल दिया खाना, बिस्किट जो उसके लिए मैंने ली थी। अभी दूसरा ब्रेक आमिन की वजह से लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आमिन अभी बोर हो रहा है। यहाँ से भी हम लोग बाहर जा सकते हैं, तो मैं ये वाला ही दरवाजा खोल देती हूँ आमिन के लिए। देखो ये सीधा बाहर रोड पे जा सकते हैं और ये एक पार्किंग के साइड। चलो घूमने चलते हम। अभी मैं मेरी ऑफिस का जो फ्रंट दरवाजा है वो आपको दिखाऊंगी। आमिन नहीं आया बाजू भाई, बहुत ही धूप है, चश्मा मरकर गाड़ी में रखा है। यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं जबरदस्त तरीके के, और आमिन को देखो घूमने की मजा हो गई है यहाँ पर तो। यहाँ पर तो उसको उसके लिए ये खेलने की जगह है, हमारे लिए नौकरी की जगह है, ऐसा है, तो वो तो अपना टाइम एंजॉय ही करता है यहाँ पर आकर। तो बातों बातों में आ गई हूँ मैं फ्रंट डोर पे। ये है मेरी ऑफिस का नाम और ये है दरवाजा। आमिन बाजू की ऑफिस में चला गया है। आमिन यहाँ ही चल जल्दी। देखो मैरून कलर की घास उगी है यहाँ पे, तो हाँ मैं इनको ऐसे कंकर में ही खेलना ज्यादा पसंद है, पता नहीं क्या खेलता रहता है यहाँ कंकर में। जब भी यहाँ से कोई व्हीकल आता है तो ये दो इसलिए लगा हुआ है कि कोई यहाँ से एंटर होता हो या निकल रहा हो बाहर जाने के लिए, तो व्हीकल
को भी यहाँ पर संभल के चले, उसकी वजह से ये दो येलो बम्बू लगाए हैं यहाँ पर। और ये है ऑफिस का पूरा साइड व्यू, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा एसी नो सब है उसका, और आमिर मेरे आगे पीछे घूम रहा है, खेल रहा है वो तो मस्ती से। अभी फाइनली हम जा रहे हैं घर, पता ही नहीं चला पूरा दिन ऐसे ही कैसे निकल गया। यहाँ पर आते हैं तो बहुत ही जल्दी जल्दी टाइम चला जाता है, घर पे उतना टाइम नहीं जाता है। तो अभी मैं और आमिन हो रहे रेडी, अर्पित आ रहे पीछे पीछे थोड़ी देर में। अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। अर्पित कैसा रहा दिन, बिजी? आमिन के साथ में तो बहुत बिजी रहा। आमिन के साथ में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट हो गया ना काम पूरा। हमें इनको वॉक करना था तो मैं और आमिन वॉक के लिए आ गए हैं, इतनी धूप है अभी भी, फिर भी उसे वॉक करना है। और मुझे पता नहीं क्या बोल रहा है वो। हाँ सो बेटा, हाँ उसकी बातें तो खुटती ही नहीं है, बस पता नहीं मुझे बहुत सारी बातें करता है वो मेरे से, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैंने सिखाया नहीं है, किसी ने भी नहीं सिखाया, ये अपने आप ऐसा कर रहा है। और उस वो लड़के के पास में ही जाना है, उसको घर पे नहीं जाना है। वो लड़के की गाड़ी देखकर आमिन को भी फिर गाड़ी निकलवानी पड़ी। अभी मैं और आमिन जा रहे हैं सब्जियां हार्वेस्ट करने के लिए। इतनी सारी सब्जियां हुई है हार्वेस्ट, और खूब सारी पालक भी। और वहां पर जितेंद्र भाई आए हैं वो ले रहे हैं पुदीना। हाँ देखो आमिन रोक रहा है, इन लोगों को जाने नहीं दे रहा है ना। बाय कर दे, चलो टाटा करो। वेरी गुड आमिन, वेरी गुड। कल शाम को हम लोग वॉक पे गए थे पूरी फैमिली, तो तब भी हम लोगों ने कुछ क्लिप ली है वॉकिंग के टाइम की, तो वो अभी मैं रख रही हूँ, वो आप देख लीजिए पहले। आधे रोड में चल रहा है देखो ये। आमिन अंदर चल, अंदर 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 आ जाओ। आमिन आमिन अंदर आ जाओ। नहीं सुनेगा उसको, है ना, रोड पे ही चलना होता है। चल मैं ऊपर जाती हूँ, चल आजा ऊपर आजा। ये देखो शाम का टाइम है अभी यहाँ पे, और हम आए हैं वॉक पे। आमिन वॉक करके कैसा लग रहा है तेरे को, चालवानों क्यों लाके शामिन? तो ये देखो आमिन को चलना है रोड पे। आमिन अंदर अंदर, आमिन नहीं आएगा। अभी देखो मेरी ट्रिक, मम्मा आई सेड अंदर अंदर, चलो वेरी गुड। तो मुझे आमिन को कुछ भी सिखाना है तो उसकी मम्मी को डांटना पड़ता है। इसके दो फायदे हैं कि मैं उसको भी डांट लेता हूँ और आमिन भी समझ जाता है। क्योंकि रोड पे चलना कई दफ़ा यहाँ पे मुश्किल होता है, कि यहाँ पे स्ट्रीट में जितनी स्पीड होती है, तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रीट में 50 की स्पीड होती है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो कोई फास्ट गाड़ी आती है तो एक्सीडेंट होने का भी वो डर लगता है, तो उसी वजह से रोड के साइड में ही चलना होता है हमें। और ये देखो बच्चा समझ गया जी, नीचे। अभी आमिन थक गया है तो अर्पित ने उसको गोदी में लिया है, फिर से नीचे उसको आना है।
फिर से नीचे उतरना, क्योंकि हम रोड पे चलने लगे ना उस वजह से। आंगली पकड़ रोड ऊपर, आंगली पकड़, वेरी गुड, दैट्स ओके, वेरी गुड। अबे छोड़ दे, दैट्स ओके, दैट्स ओके। अरे वाह वाह, वेरी गुड। हाई फाई कर, हाई फाई करो। अब इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, तो उसको बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही एंजॉय कर रहा है। उसके आगे बाल देखो, वो पवन में कैसे उड़ रहे हैं, छोटे छोटे बाल उसके उड़ रहे हैं। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कल मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में।